मैं सबसे पहले हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में रहे प्रत्याशी गजराज नागर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन लाल जाटव जी, ओम बीर मंडार जी, बेजराम गुजर जी, के उपाध्याय जी, रामवीर करदम जी और बहुजन समाज पार्टी से रही प्रत्याशी श्रीमती सैयदा खातून भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जफर अहमद साहब, मुजीब अहमद जी, अनीस मंसूरी जी जो पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री का दर्जा रहा इन पर और फिर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत बधाई। इनके सभी साथी सहयोगियों का बहुत बहुत बधाई। फरजुद्दीन किदवई साहब बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित आज समाजवादी पार्टी में शामिल है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुसीफ मुसाफिर चौहान जी, समरनाथ जी और हमारे महेंद्र निषाद जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। देश बचाओ पार्टी का आज समर्थन मिला, उनके साथी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। बीरबल सिंह कश्यप जी, विशाल जनता पार्टी, इनका भी सहयोग मिला है, समर्थन मिला और बड़ी संख्या में इनके साथ साथ अखंड जलवंशी सेवा संस्थान जो अपने समाज में बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने समाज में लगातार जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है? गोविंद निषाद जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नाम बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो हॉल के बाहर है, हॉल में नहीं आ पाए, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस समय जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में है, उनका साथ और सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। मैं तारिक किदवई साहब का नाम भूल गया था, बाराबंकी के हैं और बड़ी संख्या में इनके सहयोगी समर्थन है और आपको तो लिख दिया मैंने, आर्मी से रिटायर है, फौज में थे, ये फौज के बाद फादर फौज में थे और उसके बाद असली फौज में अब आ गए, समाजवादी फौज के साथ शामिल हो गए। हमारे साथ अभी ओमकार राजवत जी ने जो कहा बिजली को लेकर और हमारे तमाम साथी सहयोगी, और जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी, नए साल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। मैं उनके भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों में ये कहा जा रहा है कि आखिरकार बिजली कहां से आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती, हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना ना लगे उसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया,
लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया। वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी में जो बिजली का कारखाना लगा हुआ है, अगर उस समय समाजवादी सरकार में वो फैसले न लिए हुए होते तो शायद पारिक्षा का पावर प्लांट भी नहीं लग पाता, जिसका उद्घाटन बाद में हुआ। इसी तरह लैंको का एक पावर प्लांट जो सोनभद्र में लगा, अनपारा डी जो समाजवादी सरकार में पिछली बार स्वीकृत हुआ, एमओयू कर करके पुरानी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम होना था सिंचाई का, विभाग से पानी पहुंचना प्लांट तक, प्लांट को जमीन पूरी उपलब्ध कराना और प्लांट की वाकई उसके अलावा जो स्वीकृतियां प्रदान होती हैं उनको अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और उसका उद्घाटन भी अगर किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था। 3x650 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो ललितपुर में बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है, हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजली का कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरद्वारगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, पनकी में सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660, निवेली लिग्नाइट का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था, और वो भी अभी कारखाना बनकर के नहीं तैयार हुआ है। अगर वो बिजली का कारखाना बनकर के तैयार हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश के पास बिजली पर्याप्त होती, वो बनकर के अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह सोलर प्लांट के लोग करके, सोलर में बिजली को बढ़ाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। मुझे याद है जिस समय फ्रांस के स्टेट हेड उद्घाटन कर रहे थे, वो अगर योजना किसी के समय की थी सोलर प्लांट की, सोलर पारा प्लांट की, तो वो समाजवादी सरकार की थी जो मिर्जापुर में स्वीकृत होकर के प्लांट चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे, चाहे वो ललितपुर रहा हो, महोबा रहा हो, झांसी रहा हो, जालौन रहा हो या मैनपुरी रहा हो, सोलर पावर प्लांट अगर किसी सरकार में ज्यादा लगे हैं तो समाजवादी सरकार में उन सोलर प्लांट को लगाने का काम हुआ। हमारे बगल में बैठे हैं माझी जी, ये उस समय हमारे सरकार में हमारे साथ थे, विधायक थे और मंत्री थे। इनकी विधानसभा में टांडा में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट लगना था, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, एलएनटी के बड़े बड़े अधिकारी आकर के यही निवेदन सरकार से करते थे कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए तो यहां पर जल्दी पावर प्लांट लग करके तैयार हो जाएगा। मुझे खुशी इस बात की कि वहां के किसानों ने हमारा कहना माना, सरकार का कहना माना और पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध करा दी। आज उसका परिणाम है कि वहां पर भी बिजली का बड़ा कारखाना लग करके तैयार हो गया और बड़ी कैपेसिटी का बिजली का प्लांट चल रहा है। 13-2 है, 660-662, तो 1300 के लगभग मेगावाट बनकर के तैयार हो गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है तो उसके पीछे ये तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी सरकार बनने पर पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे किसान की आय तो दोगुनी सरकार नहीं कर पाई, इस सरकार ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूं, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं, लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर की बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि तीनों कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है, साथ ही साथ
ये तो बताया मैंने कि पावर प्लांट कहां लगे हैं, कोल जनरेशन से भी बड़े पैमाने पे बिजली बन रही है, लेकिन इस सरकार ने कोल जनरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे शुगर मिल प्लांट थे उन पे सरकार की तरफ से नेताजी के समय पर एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन्वेस्टमेंट होकर के कोल जनरेशन के प्लांट लगे थे जिससे सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही थी। लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से कोल जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया। तो बिजली पर्याप्त का इंतजाम करना और साथ ही साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते होंगे कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी होंगी। कभी आप बताओ पत्रकार साथियों, उनके मुंह से कभी ट्रांसमिशन लाइन शब्द सुना आपने? 5 साल गुजर गए, अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन बोला हो उन्होंने तो बता दो। अभी वो रट रहे हैं अकेले में बैठ करके, और अगली प्रेस में जाना पूछना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप रट पाए कि नहीं रट पाए। अभी वो अकेले में बैठ करके रट रहे हैं कि 3x63 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोला जाए। अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बोलने की, और आपने ये सवाल पूछ लिया वो कभी बोलेंगे नहीं। और ट्रांसमिशन लाइन बनाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पुरानी सरकार जो थी उसने शुरुआत की थी ट्रांसमिशन लाइन की, और उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का काम पूरे देश में, अगर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन लाइन में किसी ने आया और उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में फीडर अलग करना, फीडर सेपरेशन का काम, नए नए सबस्टेशन बनना, बिजली को अंडरग्राउंड ले जाना, मुझे याद है आजमगढ़ का सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग किया था, मऊ का भी शुरू करा दिया था, बनारस से पहले सारनाथ का सरकार से हो गया, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम बनारस को भी करना चाहते हैं। उस समय के जो बिजली मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव से कहा कि बिजली को हम अपने हिसाब से अपने माध्यम से किसी से लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार मान जाए तो हम उसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। मुझे याद है हमने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि अगर वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं तो उसको पूरी की पूरी परमिशन दी जाए और स्वीकृत की जाए, और उसका परिणाम है कि बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी की वजह से हो रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे वो दिन भी याद है जो आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी, वो और बनारस के बहुत बुजुर्ग विधायक, कई बार के रहे विधायक जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, श्याम देव चौधरी जी, वो वहां हड़ताल पे बैठ गए थे, और हड़ताल पे इसलिए बैठ गए थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए। कई दिनों जब हड़ताल पे वो बैठे रहे उस समय के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि अगर ये हड़ताल पे नहीं बैठे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, इसलिए इनकी मांग आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला लिया और उन्हें बुलाया अपने यहां बैठा करके उनकी भूख हड़ताल छुड़वाई, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो वो समाजवादी सरकार थी। अगर मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उन बुजुर्ग के घर पे जाएं जिन बुजुर्ग की आपने टिकट काटी, वो कम से कम सच बता देंगे कि हाँ उनकी भूख हड़ताल की वजह से उस समय की समाजवादी सरकार ने बिजली 24 घंटे दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता, वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपने सभी साथी युवा समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम के आयोजन का जो संतोष पांडे जी ने किया वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी हैं जो सुन भी रहे हैं और बाहर भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और बहुत उसका संदेश दूर दूर तक गया है। वो आपके साथ 4-5 लोग हैं, ज्ञापन देंगे, आप बुला लो राम प्रसाद के साथ बुला लो पहले, तब ज्ञापन बाद में लेंगे, सवाल जवाब हो जाते। आपको खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो।
समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेगी और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। ये सवाल ऐसा है आप नाम पढ़ती कि ये माफिया किस पार्टी के तो अच्छा लगता नहीं वो तो मैंने बोला लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं और मैं फिर दोहराता हूं वो बात अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं एक रिपोर्ट आई एडिया रिपोर्ट उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग है जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई ये किताब द सोशलिस्ट मॉन्क द सोशलिज्म का जो रास्ता है वही रामराज्य को लिए रास्ता है जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही रामराज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉन्क की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल नहीं उन्हें पता है हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जो है वो समाजवाद पे न जाने क्या क्या ध्यान देते हैं लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क नहीं सके ये आपकी बहन वो उन्हें कुछ नहीं पता है तुम्हारा कोई सवाल नहीं है ये हाँ सवाल उत्तर प्रदेश में 36 लाख लोग जो है वो श्रम सेवा योजन विभाग में रजिस्टर्ड 2012 से 2017 तक का आपका जो पीरियड देखा था मैंने उत्तर प्रदेश भर्ती चयन आयोग है जो समूह ग की भर्तियां करता है और उस पीरियड की जो भर्तियां हैं और खासतौर पर इस पीरियड की जो 5 वर्षों की लगभग भर्तियां हैं इतने बेरोजगार हैं और इस पीरियड की भर्तियों में लगभग 12 भर्तियां होनी थी जो नहीं हो पाई और तमाम जो आयोग बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसमें भी तमाम भर्तियां नहीं हो पाई तो फर्क साफ है। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं याद दिलाने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनोगे अभी मैंने भाषण सुना स्मार्टफोन और टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर हालांकि वो लैपटॉप नहीं देंगे किसी को लैपटॉप तो समाजवादी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां दे दी हैं 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा उसमें ये आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन तो बताइए इतनी बड़ी पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली इस हॉल में पूछ लो आप तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। जो लोग
अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो। इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए, और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा झूठा है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही उसमें, कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया है वो। अध्यय जी सवाल है, आपने बिखराव को लेकर कोयले की कमी को लेकर पावर एक्सचेंज ने से यूपी सरकार ने 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली भी खरीदी थी, और उन्होंने कहा मैंने सबको बिजली दी है, फ्री दी है और 24 घंटे दिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दो बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाना चाहिए था, बिजली का कोटा बढ़ा देते और कम से कम कोयले का भी कोटा बढ़ा देते, और 25 रुपए में खरीदोगे तो केंद्र सरकार क्यों बनवाई जनता ने, ये मुख्यमंत्री जी पूछते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था 2 दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन देकर के 1 साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे। अध्यय जी 300 यूनिट बिजली मुक्त है, कल को आप सरकार बनेगी तो क्या बकाए बिल भी माफ होंगे? तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है सर, सबका रहे सर, सबका रहे सर, तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा। तुम हमें सरकार बना लेने देते 17 में, तो तुम्हें इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, तो हमारे खिलाफ वोट डाले तुम्हारा आखिरी में। जब प्रेस वालों का आखिरी सवाल हो तो ये बता देना इनका पूछो। हमारा सवाल है पक्ष के पकड़ाव को लेकर, और संजय सिंह आपसे मिले भी थे, पर कल जब केजरीवाल आए उन्होंने कहा कि बिजली फ्री देने का फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी को आता है और किसी को नहीं। अरे यार क्या सवाल पूछते थे मैंने प्लांटों के नाम बताए, जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे मुझे याद है शाहजहांपुर का रोजा का पावर प्लांट लगा प्राइवेट, नेताजी ने इस प्रदेश के लिए को जनरेशन का प्लांट लगाया, अनपारा डी का समावेश सरकार में हुआ, लैंको का नेताजी लाए। और मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय मैं हरद्वागंज का प्लांट का शिलान्यास करने जा रहा था तो जिस कंपनी को ठेका मिला था, जापान की वो कंपनी थी, वो कंपनी के जो सबसे बड़े अधिकारी आए थे जापान से चल करके, उन्होंने गिफ्ट में मुझे वो तस्वीर दी जब कभी नेताजी ने प्लांट का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं आज वो तस्वीर दे रहा हूं कि एक बार आपके पिताजी ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था और आज मैं आपके यहाँ शिलान्यास कर रहा हूँ और उद्घाटन करने आऊंगा तब दोबारा आपको मैं तस्वीर दूंगा। तो पावर प्लांट बनाने का काम को जनरेशन सोलर पावर प्लांट, और उत्तर प्रदेश आज कह सकता है मेजा के प्लांट भूल गया मैं, जो आपके इलाहाबाद के एनटीपीसी का और जेपी का जो पावर प्लांट लगा है वो भी समाजवादी सरकार की देन है, हालांकि पुरानी सरकार ने भी स्वीकृत किया था उसको आगे, नहीं वो जेपी का है, वो बसपा ने थोड़ा आगे किया था बाकी हमने किया, वो बजाज का वहाँ है ललितपुर में। सवाल मेरा है अध्यक्ष जी, इनका ले लीजिए, लेकिन एक से देखो ऐसा है ना, एक मिनट बात कभी मजा आएगा।
ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन्हें किसी बीजेपी वाले ने व्हाट्सएप किया है, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन आपसे एक है, नहीं नहीं हमारा निवेदन एक है, जिस भी व्यक्ति ने किया उसका नाम ले दो। इतना सा निवेदन है हमारा, सबको सबको जैसे सबका साथ सबका विकास, वो नकली है। ये बिजली की जब जाएगी तो सबके लिए 300 यूनिट है। सतपाल मलिक जी ने किसानों के मामले में ये कहा कि प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो वो भ्रमण कर, और जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी ने भ्रमित। देखिए गवर्नर साहब पुराने समाजवादी भी रहे हैं, ये बात याद रखिए। उनकी बात से आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? जब वो सरकार, देखिए क्या सवाल पूछने, मतलब इतने बड़े चैनल को बहुत तकलीफ है भाई। आपको सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या? धान कैसे बिक गया? और जिसका अभी आपने कहा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, बताओ किसान दुखी है? बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज किसान की महंगी कर दी। और जब खाद खरीदनी थी, आप बताइए खाद कहाँ किसान को मिली? इसलिए किसान को खाद नहीं मिली। और बताइए ये तो पहाड़ी जी से सीखे हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। बीजेपी वाले सीखे कहाँ से 5 किलो निकालना, ये पता आपको? ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पार्ले जी ने बिस्किट उसमें कम कर दिए। उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा लेकिन संख्या उतनी नहीं मिलेगी, और कहो ज्यादा महंगाई होगी तो पार्ले जी के बिस्किट का साइज बदल जाएगा। तो अभी जो 5 किलो चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बनी रही तो बोरी का साइज बदल देगी। तो इसलिए मैं आपका कह रहा हूँ, ये पूछे कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी? लास्ट में तुम्हारा। अरे भाई क्यों बहस क्यों पड़े उसमें? अच्छा ये बताइए, एक मिनट, नहीं अभी इसके बाद आखिरी ये रह गए, इनका ले लीजिए। डबल इंजन टकरा रहे हैं आपस में एक दूसरे से, एक मिनट, डबल इंजन टकरा रहा है वो नहीं बोल पा रहे हैं। ये छोटे मोटे बोगी और दूसरे तो टकराते ही रहेंगे, लेकिन असली भी डबल इंजन टकरा रहे हैं, आपको ये नहीं पता? सही बात। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है मुसलमानों के योगदान से बनती है। अच्छी बात नहीं, ये क्या खराब बात नहीं? लेकिन ये बताओ सवाल ही नहीं हो पा रहा है, किसान गरीब व्यापारी नौजवान ये कहाँ है? ये भी तो उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों का योगदान आपके साथ है सर। बहुत सही सवाल, सभी अदर जिंदाबाद। नहीं वो बात हम लोग ये पारिवारिक बातों पे हम नहीं उलझेंगे, ये हम बीजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह नहीं है। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा,
उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। नहीं भरमा है, रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है हमें हर दिन सपनों में आते। ये जहां से हमारी पार्टी गई वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए नेताजी कहां कहां से नहीं लड़े, नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। तो कम से कम ये बाबा मुख्यमंत्री जहां चुनाव लड़ने जाएंगे वहां की जनता तैयार बैठी होगी। इनको पूछ लें तो आजकल इनका इनको आगे बढ़ाना है। बताइए सब पार्टियां बढ़ा रही हैं इनका, बोले फिर तुम्हारा पूछिए सवाल जवाब देंगे। हाँ पूछिए। अरे सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को उसके खिलाफ है हम लोग। ये काम नहीं होना चाहिए और ये गलत काम है। सरकार को आखिरकार क्या इंटेलिजेंस सरकार की कर रही है, क्या सोशल मीडिया केवल विपक्षियों के फोन सुनने का काम कर रही है। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी भी धर्म का या किसी की भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुखों ने और प्रबुद्ध जनों ने किसने भाषण दिया, तथा कथित धर्म संसद में जो भाषण दिया गया उसके बाद उन्हें जेल भेज देना। जेल तो चले गए, चले गए और लोग भी जाने चाहिए, और लोग भी जाने चाहिए गलत भाषा का इस्तेमाल। महाराज इनका सवाल ले लीजिए, बहुत देर तकलीफ है, इनका बहुत तकलीफ है। बोलो। अरे बड़े पैमाने में नौकरी मिलेगी। घोषणा पत्र का इंतजार नहीं कर सकते आप? बीपीएड टीटी बहुत सारे बड़े पैमाने पे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। बीएड बीपीएड टीटी वाले शिक्षा में तो रोजगार से बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं है। अरे हो गया सवाल, बोले आई डी पहुंच गया, समझ गया तुमको, आई डी ना दिखा दे। ये क्या पत्रकारों को भी नौकरी मिलेगी? मिल जाएगी। ओम प्रकाश राजवर जी कह चुके हैं पत्रकार साथियों आपके लिए, ये सवाल यहाँ से आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि कन्नौज सेंटर है, और कन्नौज आज का सेंटर नहीं है, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का सेंटर, वो राजधानी थी देश की। और वहां एक राजा ऐसा रहा जिसका नाम कोई दूसरा रखता नहीं है, जयचंद। कोई जयचंद नाम से व्यक्ति नहीं मिला इस कमरे में, तो नहीं कोई जयचंद नाम से कोई नहीं, नहीं कोई जयचंद नाम नहीं रखता है।
कन्नौज की जनता ने जयचंद को भी भगा दिया। ये साजिशें और षड्यंत्र और लोगों को अपमानित करने का काम लगातार चलता रहेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि ध्यान हटाना शुरू हो गया, डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट द ब्रेन। भाई डिवाइड एंड रूल अंग्रेज लाए, सोच समझ के लाए, कभी जाति और धर्म में झगड़ा करा देना। इस देश की संस्कृति रही कि जहां पर गंगा जमुनी की तहजीब कोई एक दिन में थोड़ी बनी, हजारों साल लगे तब गंगा जमुनी तहजीब बनी है। हम एक दूसरे को अपनाते हैं, एक दूसरे की चीजों को अपना लिया, वर्षों में रह रह करके साथ, कभी भाषा में अपना लिया, कभी खाने में अपना लिया, कभी कपड़ों में अपना लिया, कभी हमने गानों में अपना लिया। तो कोई एक दिन में थोड़ी चीजें एक दूसरे से मिल गई है, हजारों साल लगे हैं, तभी हम कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब। तो ये जो कन्नौज का मामला है, केवल एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने भी पहले दिन जिस पर छापा पड़ा है इत्र व्यापारी पर, जिन लोगों ने भी समाजवादी इत्र से और समाजवादी पार्टी से जोड़ा, उन्हें निर्देश मिले कहीं से, और हमारे पत्रकार साथी ने निर्देशों का पालन किया, बड़े ओविडेंट हैं कुछ लोग, और उन्होंने निर्देशों का पालन किया और उसका प्रचार किया, तो कन्नौज के इत्र वो सौहार्द का इत्र है, मिलने का इत्र है। हर आदमी जीवन की खुशबू और खुशबू को नहीं समझता। जो आदमी अकेला रहता हो वो क्या खुशबू को समझेगा? हाँ, खो गए तुम, बहुत सही बात। हाँ, खो गए, किसको व्हाट्सएप कर रहे हो? तो इतना हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खुशबू पसंद होती है, कुछ खुशबू उसको नहीं पसंद होती है। खाना हो, खाने में खुशबू है, ये जीवन की जो खुशबू है ये बीजेपी को नहीं पसंद, खुशबू पॉजिटिव है। अब वो बीजेपी कहे तो उसका भी बना देंगे इत्र, पता है तो हमने बनवा के भिजवा देते। कन्नौज के लोग मिट्टी का भी इत्र बनाते हैं, और हर एक का एक अपना फॉर्मूला होता है। इत्र छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बड़े पैमाने पे दुनिया में कारोबार है। इस सरकार को उस कारोबार को बढ़ाना चाहिए था, ना कि अपमानित कर रहे हैं। और सोचिए अल्पसंख्यकों पे कितना हमला है, वो अल्पसंख्यक थे दोनों, इसीलिए हमला उन पर हुआ है। जैन समाज क्या है आबादी में बताओ, 45 लाख, 50 लाख होगा, 50 लाख से ज्यादा जैन समाज नहीं है आबादी में, उन पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? पहले एक कारोबारी को, और वो भी अगर छापा मारा है तो फिर दूसरे पे क्यों अपनी छापा मारा? वो इसलिए छापा मारा क्योंकि पहले छापे में उनकी नाक कट गई। और एक रिजर्वेशन हुआ करता था एंग्लो इंडियंस का, विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी नॉमिनेशन से पहुंचते, लोकसभा में सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी आई, तुरंत हटा दिया वो भी रिजर्वेशन। वो कौन लोग थे जिन्होंने हरियाणा में मूर्ति को तोड़ा? सिख समाज पर क्यों अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और आतंकवादी तक कह दिया गया था, और कहा कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, हिंदू और सिखों की लड़ाई है। ये कौन लोग थे? इसलिए इनके जीवन में कोई खुशबू नहीं है, ये कभी खुशबू पसंद नहीं कर सकते। ये कारोबार के खिलाफ है क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है। अगर कन्नौज का कारोबार है तो किसान कहीं ना कहीं मेहंदी उगा रहा है, कहीं ना कहीं बेला उगा रहा है, कहीं ना कहीं से केवड़ा ला रहा है। केवड़ा लाने वाले की जात क्या है, इत्र बनाने वाला कौन है, लगाने वाला कौन है? तो कारोबार हमें जोड़ता है, व्यापार हमें जोड़ता है। ये कभी कारोबार और व्यापार की बात नहीं करेंगे, ये केवल नफरत की बात करेंगे। इनके अंदर केवल नफरत की दुर्गंध है, और ये तो फूल पेड़ों के नाम नहीं जानते। क्या चीज आपकी? अरे वो तो सुपर हिट फिल्म थी भाई, कोई बात नहीं,
क्या फिल्म थी, क्या फिल्म थी सोचो, तुमने अगर न देखी हो दोबारा देख लो तो सुपर हिट फिल्म देखिए। और कितनी फिल्म सुपर हिट थी ये पता है, कहाँ शूटिंग हुई एक मिनट, शूटिंग कहाँ हुई थी, रामनगर कहाँ है, रामनगर कहाँ है, रामगढ़ सॉरी कहाँ बनाया था, वही रामनगर और रामनगर वही है, एक ही है, ये बेंगलोर मैसूर हाईवे पर लेफ्ट साइड में है। सोचिए आप कितनी सुपरहिट फिल्म थी बताइए, ये किसने तुलना की है बताओ, हमें कौन है गब्बर जिसने तुलना की है, किस गब्बर ने की है बताओ ना, कौन है। अच्छा तो हमारे गब्बर है कहाँ गए, प्रदेश अध्यक्ष जी ये है गब्बर हमारे, तो गब्बर को जवाब दो, आज देंगे जवाब। उनके आपने नहीं देखी वो जनसेवा यात्रा, कई जगह की तस्वीर मैंने देखी, कई जगह की तस्वीर आई है, वो ऐसी तस्वीर है कि चौमिन ठेले पे भी ज्यादा भीड़ दिखती है। अब जाने दोगे हम लोगों को कि नहीं जाने, जाइए जाइए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जाति जनगणना होगी, बात करो, सब लोगों ने तय किया है कि जाति जनगणना होगी, हम समाजवादी लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं।